देवहूति वरदान मांग लो। देवहूति जी बोली, महाराज मैं कुछ समय के लिए आपके साथ में विहार करना चाहती हूं। तब कर्दम ऋषि ने संकल्प के द्वारा कामक विमान उत्पन्न किया। ये ऐसा अलौकिक विमान है कि इसमें बिल्कुल भी डीजल पेट्रोल नहीं लगता। ये कामना के अनुसार चलने वाला विमान है। कामनात गमति गच्छति इति कामगः। कोई टैक्स नहीं, कामना करी और विमान चला बद्रीनाथ से रामेश्वरम, और रामेश्वरम से कामना करी तो विमान आ गया बद्रीनाथ। डीजल पेट्रोल का कोई झंझट नहीं, हजारों सेवक सेविकाओं से सुसज्जित विमान। और इस विमान में जब देवहूति जी ने जब प्रवेश किया कर्दम ऋषि के साथ, सेवकाओं ने ओवटन लगा करके उन्हें स्नान कराया, सुंदर नूतन देह बना दिया। ओवटन में बड़ा चमत्कार होता है, ओवटन और जो लेप है आजकल उसको क्रीम पाउडर में बदल दिया गया है। अब ओवटन तो खत्म ही हो गया, अब तो बस जाने कौन सा लवली और जाने कौन सा वो प्लस। नूतन भव्य देह बना दिया देवहूति जी का, वर्षों तक विहरण किया। और उस विमान में विहरण करते हुए नव कन्याओं को जन्म दिया। पति पत्नी का जीवन जब संयम की नींव पर खड़ा होता है, ऐसे सदगृहस्थ के घर में नवदा भक्ति प्रकट होती है। कर्दम ऋषि बोले, मैंने तो संकल्प लिया था कि प्रथम संतान का जन्म होते ही संन्यास ग्रहण कर लूंगा, परंतु अब तो घर में नौ कन्याएं हो गई। देवहूति जी बोली, महाराज आप तो जानते हैं कन्याएं ये तो पराया धन है, विवाह होकर के ये अपने अपने घर के लिए चली जाएंगी, परंतु इन कन्याओं के बाद में मेरा अवलंब क्या होगा, किसके सहारे में अपना जीवन बिताऊंगी। परंतु मुझे याद आ गया, स्वामी जी आपने मुझे बताया था कि भगवान हमारे घर में आकर के प्राकट्य ग्रहण करेंगे, तो घर में ही जब गंगा जी आने वाली हैं तो फिर हरिद्वार जाने की कहां जरूरत है। कर्दम ऋषि बोले, हां मुझे याद आ गया, प्रभु ने मुझे वचन दिया है, कालांतर में देवहूति माता के गर्भ से भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कर्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरेव दारु। प्राकृतिक पुत्र तब पैदा होता है जब मां के पेट में दर्द होता है, और अप्राकृतिक पुत्र तब अपना प्राकट्य ग्रहण करता है जब शरणागत भक्त के हृदय में दर्द होता है। विश्व विश्रुत नवकन्याओं के पश्चात विश्वात्मा स्वयं कपिल के रूप में अपना प्राकट्य ग्रहण किए। बोलिए, कपिल भगवान की जय। आकाश मंडल से देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया, और पुष्पों की वृष्टि के द्वारा कर्दम ऋषि का आश्रम पुष्पों से ढक गया, सारा वातावरण सुगंधी से गमगमा उठा। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने नौ पुत्रों को साथ में लेकर के आए। मनु महाराज बोले, महाराज आपके नौ छोरा और हमारी नौ छोरियां, बड़ा सुंदर शुभ मुहूर्त है। ब्रह्मा जी बोले, सुवस्य शीघ्रम। कला नाम की कन्या का विवाह मरीचि ऋषि के साथ, अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ,
अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ, ख्याति नाम की कन्या का विवाह भृगु ऋषि के साथ, हविर्भू नाम की कन्या का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ, क्रिया नाम की कन्या का विवाह क्रतु ऋषि के साथ और शांति नाम की कन्या का विवाह अथर्वण ऋषि के साथ में सानंद संपन्न हो गया। दसवें थे बेचारे नारद जी, सो कहीं घूमने गए, सुबह सुबह घूमते ही रह गए। बोलो राधे राधे। कर्दम ऋषि संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो गए। यह गौरव केवल माता देवहूति को प्राप्त हुआ। पति महात्मा, पुत्र परमात्मा, कन्याएं पवित्र आत्मा। एक दिन माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से कहा, बेटा मुझे पुत्र मिला कपिल तो तेरे जैसा, पति मुझे मिले तो कर्दम ऋषि जैसे, मुझे बेटियां मिली तो अनुसुईया और कला जैसी, मुझे दामाद मिले तो अत्रि और अंगिरा ऋषि जैसे। परंतु बेटा मेरा मन प्रभु के चरणों में क्यों नहीं लगता? बेटा कपिल, मेरे अज्ञान के वृक्ष को तू ज्ञान कोठार से काट दे। हाथ जोड़ करके माता देवहूति प्रार्थना करने लगी। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं सौभृत् संसारितयो कुठारम्। स्वागताहम शरणम शरण्यम। कपिल भगवान बोले, मां मन को ताले और चाबी की तरह समझ लो। ताले में चाबी को इधर घुमा दिया जाता है तो ताला लग जाता है, और चाबी को इधर घुमा दिया जाता है तो ताला खुल जाता है। गुणे सुसक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। मां, ये मन ही ताले और चाबी की तरह है। इसी मन को यदि परमात्मा की ओर यदि मोड़ दिया जाए तो मोक्ष हो जाता है, और इसी मन को यदि संसार की ओर यदि मोड़ दिया जाए तो बंधन हो जाता है। ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मां, अपने मन को यदि परमात्मा में लगाना चाहती हो तो सबसे पहले संतों का संग करो। माता देवहूति बोली, बेटा संत किसे कहते हैं और कैसे मालूम चलेगा कि अमुक व्यक्ति संत हैं? कपिल भगवान बोले, मां संतों के छोटे छोटे से आभूषण हैं, और इन आभूषणों के द्वारा ये मालूम किया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति संत हैं। कौन कौन से आभूषण हैं संतों के? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना
अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण तितिक्षव। द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा है। संत सारे द्वंद्वों को समान रूप से स्वीकार कर लेता है और संत यदि जीवन में दुखी भी यदि होते हैं तो अपने कारण से नहीं अपितु संसारियों के दुख को देख करके। मान अपमान में सर्वथा तुल्य। किसी ने यदि पुष्प की माला पहना दी तो उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं और किसी ने यदि उनका अपमान कर दिया तो उन्हें कोई दुख नहीं। क्योंकि हम लोग जितना एक्शन में नहीं जीते उससे ज्यादा हम रिएक्शन में जीते हैं। बोलो राधे राधे। जब हम लोगों का कोई प्रशंसा का जब बटन दबा देता है तो हम उतनी भूल जाते हैं और यदि कोई हमारी अपमान का यदि बटन दबा देता है तो हम लोग उतने ही पिचक जाते हैं। क्योंकि हम लोग स्वस्थ नहीं है, हम लोग अस्वस्थ हैं। स्वस्थ किसे कहते हैं? जो अपने रूप में स्थित है, स्वस्वरूप स्थिर इति स्वस्थ। हम लोग अस्वस्थ हैं। संत मान अपमान में सर्वथा तुल्य तितिक्षव। कारुणिका, संतों के हृदय में करुणा होती है। प्रत्येक जीव को अपना सुहृद मानते हैं। सर्वदेही नाम, प्रत्येक देहधारी के अंदर अपने प्रभु का दर्शन करते हैं संत। जब संत आपस में बातें भी यदि करते हैं तो अरे नारायण जल लाना, अरे नारायण भोजन लाना। हर व्यक्ति में अपने प्रभु का दर्शन करते हैं। अजात शत्रु, संतों का कोई शत्रु नहीं होता। शांता, जो शांत रहते हैं वो संत होते हैं। ये संतों के छोटे छोटे से आभूषण हैं। मां परमात्मा के प्रति प्रगाढ़ प्रीति परमात्मा को प्रकट करा देती है। प्रभु का कितना मृदुल स्वभाव है। अरे पूतना मारने के लिए आई, गुण देख लिया मां का, मां का काम कर रही है और इसी गुण पर रीझ गए और पूतना को मातृगति प्रभु ने प्रदान करा दी। ऐसा अद्भुत कारुण्य, यह स्वभाव। और प्रभु का प्रभाव कैसा है? अरे जिस जयंत ने माता सीता के चरण में जाकर के चोंच मारी, सारे संसार में भागा, किसी ने उसे शरण नहीं दी। अंत में भाग करके उसे लौट करके प्रभु राम की शरण में ही आना पड़ा। यह है प्रभु का प्रभाव। तो प्रभु के प्रति प्रीति और प्रभाव के द्वारा परमात्मा जीव को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। संतों का संग करोगे तो सत्संग की प्राप्ति होगी। संगीतकारों का संग करोगे तो गाना बजाना अपने आप ही सीख जाओगे। ज्वारियों का संग करोगे तो पत्ते खेलना सीखना नहीं पड़ेगा अपने आप ही। देहला पकड़ खेलना सीख जाओगे। बोलो राधे राधे। तो जैसा करोगे संग, शराबियों का संग करोगे तो फिर पीना सीख जाओगे। तो संतों का यदि संग करोगे तो सत्संगति की प्राप्ति होगी। जिसने आदर पूर्वक सदग्रस्त जीवन को जी लिया वो संत पद भी प्राप्त कर ही लेगा। और जिसने आदर पूर्वक सदग्रस्त जीवन को नहीं जिया वो संत पद कैसे पा सकता है? अरे जिनकी घर में कछु ना बनी वो बन में बैठ कहा करी है।
घर में ही जो संतुलन नहीं बना पाए वो वन में बैठ करके क्या वातावरण बनाएंगे। इसलिए आदर पूर्वक सदग्रस्त जीवन को जीना चाहिए। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को कैसे पाओगे? तो भगवान को पाने के लिए आदर पूर्वक सदग्रस्त जीवन को जीना चाहिए। दो मार्ग हैं, सद्योमुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्योमुक्ति का तात्पर्य है सीधा परमात्मा को प्राप्त करना, और क्रम मुक्ति माने क्रमानुसार आदर पूर्वक सदग्रस्त जीवन को जियो, तब आगे चल करके भगवान को प्राप्त करो। समाज के व्यवहार को देखो, समाज में जीवन यापन करो, उसे कहते हैं क्रम मुक्ति, क्रम के अनुसार। अरे जब हम कहीं जाते हैं किसी बड़े महानगर में तो दो रास्ते होते हैं, एक होता है बाईपास और एक होता है सीधा। अब जो सीधा रास्ता है उससे निकलने में बड़ी परेशानी आती है, तमाम तरह के ऑटो वाले घुसते हैं बीच में, कहीं मोटरसाइकिल वाला, कोई कार वाला, कोई स्कूटर वाला, कोई हॉर्न बजा रहा है, तमाम तरह की आवाजें आ रही हैं, जाम लग गया, पीछे से धक्का दे रहे हैं लोग। तो ये सीधा जो मार्ग है उसमें बड़ी दिक्कत आती है, और जो बाईपास है सीधे जाइए। और ध्यान देना, आगे चल करके दोनों रास्ते एक हो जाते हैं। तो सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति दो मार्ग भागवत में बतलाए गए हैं। इसलिए आदर पूर्वक सदग्रस्त जीवन को जीना चाहिए। कपिल भगवान बोले, मां व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है तदनुसार उसका अभ्यासी बन जाता है, क्योंकि ये हमारी नारकीय योनि है। एक चिंटी को भी यदि पकड़ा जाता है और छोड़ने पर वो भी ऐसे झुंझला करके भागती है, उसे न जाने क्या हो गया, क्योंकि वो उसकी नारकीय योनि है। एक बार नारद जी ने सूगर से कहा, सूगर जी बैकुंठ चलोगे? तो सुगर ने पूछा कैसा है बैकुंठ? नारद जी बोले क्या कहने, बैकुंठ धाम के आनंद है बैकुंठ में। सुगर बोला पहले एक बात बताओ, बैकुंठ में कीचड़ मिलेगा क्या? सुनते ही नारद जी बोले भैया बैकुंठ जैसे धाम में कीचड़ का क्या काम? सुगर बोला जब बैकुंठ में कीचड़ ही नहीं मिलेगा तो आनंद क्या खाक मिलेगा, मुझे नहीं जाना, क्योंकि सुगर को तो कीचड़ में ही आनंद आता है, क्योंकि वो उस वातावरण का अभ्यासी बन चुका है। कई जगह ऐसी हैं जहां गंदे नाले के पास में चाट पकोड़े के ठेले लगे रहते हैं, अपनी अनुभव की बातें, इतनी दुर्गंध आती है कि व्यक्ति वहां खड़ा नहीं हो सकता, परंतु भाई लोग वहीं खड़े होकर के गोलगप्पा सटकाते रहते हैं, खूब समोसा पाते रहते हैं, उन्हें कोई दुर्गंध नहीं आती, क्योंकि वो उस वातावरण के अभ्यासी बन चुके हैं। एक बार भगवान कृष्ण को अचानक हंसी आ गई, तो रुक्मणी जी ने पूछा महाराज आपको अचानक हंसी क्यों आई? भगवान कृष्ण बोले ये भी कोई पूछने की बात है? अरे हंसी है, आई तो आ गई। रुक्मणी जी बोली महाराज कोई ना कोई कारण तो अवश्य होना चाहिए, बिना कारण के आज तक आप कभी नहीं हंसे। भगवान कृष्ण बोले रुक्मणी सामने देखिए, देखो ये दो चिंटे गुड़ से कैसे चिपक रहे हैं। रुक्मणी तुम्हें मालूम है ये दोनों चिंटे 11 11 बार इंद्र बन चुके हैं, और 11 11 बार इंद्र बनने के बाद भी, इंद्रासन प्राप्त करने के बाद भी, ये देखो गुड़ से कैसे चिपक रहे हैं, क्योंकि ये इनकी नारकीय योनि है। जो दूसरों को कष्ट देता है, अहित की कामना करता है, ऐसे व्यक्ति को शांति की प्राप्ति नहीं होती।
पंचाग्नि विद्या के द्वारा जीव का जन्म होता है, और जब जीव मां के गर्भ में आता है तो मां के गर्भ में जीव को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मलमूत्र में पड़ा ये जीव बार बार परमात्मा को पुकारता है, हे प्रभु कैसे भी करके आप मुझे मातृ गर्भ से बहिर्भूत कीजिए। तब भगवान इस जीव को मातृ गर्भ में विगत 100 जन्मों की पिक्चर दिखाते हैं और जीव को याद दिलाते हैं, देख पूर्व जन्मों में तूने मेरा भजन नहीं किया। तब ये जीव मुट्ठी बंद करके प्रभु से प्रतिज्ञा करता है, प्रभु इस बार कैसे भी करके आप मुझे मातृ गर्भ से बहिर्भूत कीजिए, मैं भजन करूंगा। तब प्रसूति वायु के द्वारा 9 मास पश्चात परमात्मा इस जीव को मातृ गर्भ से बहिर्भूत करते हैं, और प्रायः जब बालक का जन्म होता है तो जन्म लेते समय बालक मुट्ठी बंद करके आता है, मानो भगवान से प्रतिज्ञा करके आया है। परंतु ये जीव जब संसार में आता है तो प्रभु से की हुई उस प्रतिज्ञा को भूल जाता है, मैं और मोर तोड़ते माया के चक्कर में पड़ जाता है। शिशु अवस्था में भी जीव को अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। तुदंत्या मत त्वचम दंसा मसका मत कोणादयः रुदंतम विगत ज्ञानम क्रमयः क्रमिकम यथा। मक्खी मच्छर आदि जीव जब इस शिशु को जब काट लेते हैं तो ये रोने लग जाता है। जब बालक रुदन करने लगता है तो मां को लगता है कि बालक के पैर में दर्द हो रहा है, तो मां बालक के पैरों को दबाने लग जाती है, फिर भी बालक चुप नहीं होता, तो मां को लगता है बालक के सिर में दर्द हो रहा है, तब मां बालक के सिर को दबाने लग जाती है, फिर भी बालक चुप नहीं होता, तो मां को लगता है बालक के कान में दर्द हो रहा है, तो मां बालक के कान में तेल डालने लग जाती है, फिर भी बालक चुप नहीं होता। तो इस तरह शिशु अवस्था में भी जीव को अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं जो योषित रूपी माया से मोहित न हुआ हो। तत् स्रष्ट स्रष्ट स्रष्टेषु कोन्व खंडित दीपमान ऋषिम नारायणम मृते योसिन मय्येह मायया। एक नारायण नाम के ऋषि हैं जो कि बद्री विशाल में तप कर रहे हैं, जिन्हें योषित नाम की माया प्रभावित ना कर सकी। माता देवहूति बोली, बेटा कपिल तेरे सारे वचनों का मैंने केवल एक ही सार निकाला है, जीव यद भगवत पादारविंद का आश्रय ले लेता है तो भगवत शरणागत से माया कोसों दूर रहती है। माता देवहूति बोली, बेटा कपिल अहो वतस्वपचो तो गरिया यत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जिह्वः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचर नाम ग्रणन्ति येते। अहो वतत स्वपचो तो गरियां, वह स्वपच भी श्रेष्ठ है यदि भगवान का गुणानुवाद गाता है, और यदि ब्राह्मण होने के बाद भी यदि ब्राह्मण अपने मुखारविंद से भगवान का गुणानुवाद नहीं गाता है तो ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं माना गया है। भगवान कपिल ने माता देवहूति को किया प्रणाम और गंगा सागर में जाकर के कपिल भगवान आसन लगा करके बैठ गए। आज भी जो भक्त मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर जाते हैं उन्हें कपिल भगवान दर्शन देकर के कृतार्थ करते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय।